मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कुंभ राशि के बारे में बताने जा रहा हूँ। कुंभ राशि के लोगों के लिए स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी हो सकती है, शारीरिक पीड़ा हो सकती है। कुंभ राशि के लोगों के लिए शनि देव महाराज और राहु केतु महाराज की कृपा हो रही है, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित थोड़ी परेशानी भी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, चिंता करने की कोई बात नहीं, ये थोड़े ही समय के लिए है। कुंभ राशि के लोगों के लिए शनिदेव महाराज की बहुत बड़ी कृपा होती है। शनिदेव महाराज ही सब संकट को दूर करेंगे, राहु केतु महाराज भी संकट को दूर करेंगे। उनका स्मरण आप अवश्य करते रहें। कुंभ राशि के लोगों के लिए शनिदेव महाराज बहुत बड़ी कृपा करते हैं, तो यह संकट भी कुंभ राशि के लोगों का दूर करेंगे। पूर्ण विश्वास है, शनिदेव न्याय के देवता हैं, न्याय करते हैं। हमारे आपके कर्मों के आधार पर फल देते हैं। कुंभ राशि के लोगों के लिए नवंबर दिसंबर थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आर्थिक स्थिति में मध्यम रहेगा, लेकिन दिसंबर के अंत तक जाते जाते आपका सामंजस्य अच्छा चलेगा, आप ही की आर्थिक स्थिति वह भी अच्छी हो जाएगी। धन वैभव की कृपा होगी, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि देव महाराज और गुरु बृहस्पति देव कुंभ राशि के लोगों के लिए धन संबंधित कार्य को बनाने वाले हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति कराएंगे, पैसा आएगा, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं, कुंभ राशि के लोगों के लिए 2024 अंत तक जाते जाते बहुत अच्छा होगा। कुंभ राशि की मनोकामना पूरी होगी, भूमि भवन वाहन का अभिनय सुख श्रेय प्राप्त होगा, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि होगी, पारिवारिक सामंजस्य भी अच्छा चलेगा। रुके अधूरे अटके कार्य जो चल रहे थे वह भी पूर्ण होंगे, पारिवारिक सामंजस्य भी अच्छा रहेगा। आपके अंदर नई ऊर्जा का संचार होगा, वाणी व्यवहार में निखार आएगा, लोगों में आपका सम्मान होगा, मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपके आस पड़ोस के लोग भी आपका सम्मान करेंगे। अपने क्रोध पर कुंभ राशि के लोग नियंत्रण रखें, सबसे सामंजस्यता बना करके चलें, आने वाला भविष्य आपका उज्जवल होगा, लोगों में आपका सम्मान बढ़ जाएगा, आपको जस कीर्त लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपको भक्ति जागृत होगी, आप कुछ अच्छा कार्य करेंगे जिससे लोगों में आपका सम्मान भी होगा। आपके अपने लोग जो ईर्ष्या रखते थे वह भी सामंजस्यता बनाकर चलेंगे, रुका अधूरा कार्य भी आपका पूर्ण होगा, पारिवारिक सामंजस्य अच्छा रहेगा,
रोग आपके कोसों दूर भाग जाएंगे, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। इसलिए मित्रों, कुंभ राशि के लोग सुंदरकांड का पाठ अगर हो सके तो शनिवार या मंगलवार के दिन अवश्य करें। हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ करें, कल्याण होगा। जय माता।